मजदूर दिवस पर जिला डोडा में पीएचई विभाग के डेली वेजर, सीपी वर्कर्स और आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज मुजाहरा किया। एहतजाज की पैरवाई करते हुए यूनियन के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन का कहना है, रियासती सरकार पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिमों की सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। हमारे यहाँ मुलाजिमों के साथ हो रहा है, तो चलो कुछ मिनट हम आगे जल्दी जल्द करेंगे। तो इसके साथ मैं अब सुदर्शन लाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ इनका तहदील के साथ शुक्रगुजार करते हैं कि आज से पहले भी तनवीर साहब ने चन्हावेली के अंदर जिला डोडा इसी डाक बंगले में लास्ट ईयर एक बखूबी जलसा रखा था, जिसमें हमारे सीपी वर्करों की गैदरिंग 1000 से भी अबो थी। तो इस बात का हम तहदील के साथ शुक्रगुजार करते हैं और उनके लिए, तनवीर साहब के लिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देख सकते हैं तो हमने रेडियो में न्यूज सुनी, कमिश्नर ऑफिस के लिए सीपी वर्कर के लिए इतना कुछ है, लैंड केस वाले हैं तो सीपी वर्कर ऐसी समस्या में झूम रहा है। हमने जम्मू में चीफ ऑफिस और अपना प्रेस क्लब में काफी बार रेडियो में वाले थे, उनकी दरिया सजाई, उनके माइक सजाए, कई सालों से क्या क्या पैसे हैं, पढ़ाई के खर्चे हैं, अगर एक दिन भी हमें एक मिनट भी नहीं छोड़ तो क्या कर रहे हैं, हम बीच पहुंच रहे हैं और इनका स्वागत है। देखिए सबसे पहले जो आज हमारा एहतजाज यहाँ पे है, ये आज यूनियनवाइज जो लेबर डे पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और आज उसकी एक तकरीब हमने डोडा में भी रखी है, जिसमें 1886 में शिकागो के अंदर मजदूरों पे गोलियां चलाई गई और उनको खरीद पेश करने के लिए आज हमारा यहाँ प्रोटेस्ट है। उसके बाद जहाँ की अपने आज मजदूर की बात की जाए, डिलीवरीज की बात की, पूरे जम्मू कश्मीर में आज डिलीवरीज जो है वो अपने हकों के लिए रोडों पर हैं और पिछले 7 सितंबर से कंटिन्यू पूरे जम्मू प्रांत में हमारे धरने चल रहे हैं और आज एक जो हमारा धरना भी यहाँ पे है और यहाँ पे आज खर्ज हकीकत भी शहीदों को पेश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सरकारें हमें बनाई आज से पहले जो कोलिशन में यहाँ PDP या उनके साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ रही, जिन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे हम लोगों के साथ कि आपकी जो वेजेस है या जो आपकी पॉलिसी है उसको हम बनाएंगे, और आज हजारों की तादाद में जो फाइलें हैं वो सेक्रेटरी में दूर चाट रही हैं, वो चीफ ऑफिस में पड़ी है, लेकिन इस डिलीवरी मजदूर को आज भी दबाया जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से फिलहाल तमाम मजदूरों को आज के दिन एक ही मैसेज देते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, यूनाइट हो जाओ और आगे जो प्रोग्राम हमारे होंगे बहुत सख्त प्रोग्राम होंगे और एक नेक्स्ट मंडे को हमारी मीटिंग है जम्मू में और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं और पूरी सप्लाई जम्मू प्रोविंस की, अगर हमारे मसले हल नहीं होते हैं उसको ठप कर देंगे। अगर आने वाले वक्त में जो कि असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम पूरी तरह से ऐसी ताकतों को जिन लोगों ने हमें अपने वोट बैंक के लिए यूज किया है उन लोगों को उनका रास्ता दिखाएंगे और उन ऐसी ताकतों को हम जम्मू कश्मीर से उठा के बाहर फेंकेंगे और यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो उसके साथ जो जात तैयारी है, जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा, चाहे इनकी आवाज़ में कोर्ट लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, हम कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, वहाँ तक भी जाएंगे और कहीं यहाँ के इस कारवां ने, कहीं यहाँ के इस सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम ने अगर हमें मजबूर कर दिया तो इसकी लड़ाई असेंबली में लड़नी अगर होगी तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। डोडा से आबिद वानी, अलर्ट इंडिया न्यूज़।